के बाद बढ़ते हैं आगे। रांची में हाईकोर्ट में लालू यादव के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में लालू यादव पर जेल मैनुअल के उल्लंघन का आरोप है। मनीष कुमार ने यह जनहित याचिका दायर की है। लालू यादव के खिलाफ जेल मैनुअल के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। याचिका इसके लिए दायर की गई है इस के खिलाफ। याचिकाकर्ता मनीष कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, लालू यादव के खिलाफ आपने जनहित याचिका दायर की है, जेल मैनुअल के उल्लंघन का मामला, क्या आप कहेंगे इस पर? किस तरह लगा आपको कि जेल मैनुअल का उल्लंघन हो रहा है? जी देखिए, माननीय लालू प्रसाद यादव जी एक आदतन गुनाहगार हैं। पिछली बार जब वो चारा घोटाले में गिरफ्तार किए गए थे तो वो बीएमपी के गेस्ट हाउस में रह रहे थे सत्ता के प्रभाव से। उसके बाद माननीय न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और उनको वापस बेउर जेल शिफ्ट किया गया। रांची में रिम्स के अधीक्षक के बंगले में बैठ के वो बिहार की राजनीति को नियंत्रित कर रहे हैं और यहाँ से वो अपनी पार्टी चला रहे हैं। प्रतिदिन इनसे सैकड़ों लोग मिलने आते हैं। हम लोग कानून और न्याय के प्रति विश्वास रखने वाले लोग हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं। और आज मैंने एक जागरूक नागरिक की हैसियत से माननीय न्यायालय के समक्ष पीआईएल किया कि हमें न्याय मिलना चाहिए और कानून की नजर में हर एक आदमी बराबर है। इसीलिए माननीय लालू यादव जी के साथ भी एक आम कैदी की तरह व्यवहार किया जाए और उन्हें पुनः हटवार जेल में शिफ्ट किया जाए। शुक्रिया मनीष जी बातचीत के लिए। याचिकाकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे, अधिवक्ता मनीष कुमार। इन्होंने जनहित याचिका दायर की है। इनका कहना है कि लालू यादव जेल मैनुअल का उल्लंघन कर रहे हैं जेल में रहते हुए और उन्हें फौरन बिरसा मुंडा कारा में शिफ्ट किया जाना चाहिए।